सभी को जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका नई वीडियो नए टॉपिक में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का अपना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2024 में जिन भाइयों को आगामी भर्ती देखनी है, 2024 की जो 8 फरवरी के बारे में जो फॉर्म स्टार्ट होंगे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या डॉक्यूमेंट्स में आती है जब नए भाई है, जो नए युवा साथी है, नए खिलाड़ी है, नए धावक है, जो अभी तैयारी करेंगे, अग्निवीर में पार्टिसिपेट करेंगे और पेपर में पार्टिसिपेट करेंगे, फिजिकल में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, पूरा प्रोसेस पार करेंगे, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या डॉक्यूमेंट्स की। तो मैंने आज पूरी लिस्ट बनानी है आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स की, जो आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट बनाई है, क्या क्या कौन सा पूरा एकदम पहले बैठ के सोचा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, शुरू से लेके आखिर तक कौन सा किस प्रकार से, उसके बाद में आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा आपको गौर से देखना है, जो मैं बता रहा हूँ नोटिस कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। आप अगर देख रहे हो और आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये वीडियो आप किसी दोस्त रिश्तेदार किसी को भी शेयर करिए, जिससे उसको इस चीज़ का फायदा हो सके। तो बिना देरी के वीडियो में जो इंपॉर्टेंट बात है वो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और पहले से मेरे सब्सक्राइबर हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। तो मेन मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चर्चा करते हैं, कौन कौन से होने चाहिए और किस प्रकार से कैसे होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके अंदर 45% पूरी कंप्लीट होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में 33% अदर होने चाहिए, क्योंकि ग्रेस आपके पास नहीं लगा हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिए। और ये वीडियो में बता दूँ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है, जिसमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष करना है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। विशेषकर मैं गर्ल्स के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, परंतु ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है उनसे रिलेटेड, दोनों के लिए सेम होता है, तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। बात करते हैं 12वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट से आप ट्रेडमैन और GD की भर्ती देख सकते हो, और 12वीं की मार्कशीट आप क्लर्क एसकेटी टेक्निकल, और आप अपने ये लेयर का नर्सिंग वाला बायोलॉजी से सब्जेक्ट लेकर, तो आप उसे नर्सिंग की भर्ती भी देख सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि आपके 10th की मार्कशीट में जो भी है नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो भी जिस प्रकार से नाम है, हर डॉक्यूमेंट्स में वही होना चाहिए। आगे बात करते हैं, आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड के बाद तो नहीं, नंबर एकदम सही होने चाहिए, नंबर तो वैसे सही होते हैं, नंबर के साथ साथ आपका जो मार्कशीट 10th की मार्कशीट में जो नाम है वही आपका आधार कार्ड में नाम होना चाहिए, वही आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में होना चाहिए, वही आपका एड्रेस, पापा जी का नाम जो भी आता है वो सारा सेम होना चाहिए। अगर आपका इसमें चेंज है तो आप आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए, उसे सही करवा सकते हैं, इस चीज़ का बहुत ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें यही आती है। बात करते हैं एक आगे डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट, जो आपके ज़िले में कोर्ट है वहाँ से आपको बनवाना पड़ता है। ये एफिडेविट फॉर्म भरवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उस टाइम नहीं चाहिए, परंतु आप जैसे ही फॉर्म भरवा दिया, आपने भर्ती में आप गए और पेपर पास हो गया, तो भर्ती में जा रहे हो, तो आपको एफिडेविट चाहिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो गई, तो एफिडेविट इसलिए बनाया जाता है कि इस डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो तो उसको एनालाइज, मतलब उसको इग्नोर कर दिया जाए कि इसके पास एफिडेविट है, गलती हो गई है। बात करते हैं कि अब आधार कार्ड है उसके में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगली बात, आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड में कोई अदर मोबाइल नंबर कनेक्टेड है तो उसको हटाइए और अपना मोबाइल नंबर कनेक्टेड करवाइए, क्योंकि जो भी कोई OTP आती है, आप भर्ती में जाओगे तो OTP सिस्टम होता है जिससे पूरा बायोडाटा पता चलता है, OTP बताओगे तो आपके तुरंत आपके फ़ोन पे आ जाएगी और पता चल जाएगा, ये चीज़ का विशेषकर ध्यान रखनी भर्ती से चले। एक बात करते हैं हस्ताक्षर, आप फॉर्म भरवाने जाए तो अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके ले जाइए, अपने हस्ताक्षर मतलब अपने सिग्नेचर फिक्स रखिए कि मेरे को यही हमेशा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी फॉर्म भरना हो, ये मेरे को फिक्स करना है। आप फॉर्म भराने जाओगे मित्र पे तो आपके हस्ताक्षर और फोटो लेगा, तो हस्ताक्षर आप सिग्नेचर आपके फिक्स, हाँ याद रखिए कि मेरे को यही करने चाहिए, वो फिर फोटो के नीचे आपको एडमिट कार्ड में करने होंगे, ठीक है। बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स की क्या होना चाहिए, रिलेशन सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आप तीनों, आपके पास तीनों में से कोई सा भी है, आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो, फॉर्म भरते हो, तब आपके पास ऑप्शन आते हैं वहाँ पे, आपके पास रिजिलेशन है यस या नो, तो यस कर दीजिए, है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यस या नो है तो वो यस या कर दीजिए या नो कर दीजिए। NCC सर्टिफिकेट ABC तीनों ऑप्शन आते हैं, यस या नो, उस प्रकार से इस चीज़ का आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, फॉर्म भरवाते हो फर्स्ट टाइम, तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना आपका। एक आपकी ईमेल आईडी बना रहे हो, ईमेल आईडी आपको याद रखनी है, उसके पासवर्ड याद रखनी है, हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत सी बड़ी समस्या आती है, आप ईमेल आईडी और पासवर्ड याद नहीं रखते, फिर एडमिट कार्ड कईयों का निकलता नहीं, ARO में जाना पड़ता है या भर्ती स्थल पे जाने के बाद में सोल होता है, इस चीज़ का विशेष करना है। बहुत से भाइयों हमारे साथ में था, पीछे भर्ती में हम देख रहे थे, हमारे साथ में थे, उनको भी ये प्रॉब्लम आई थी। ईमेल आईडी और पासवर्ड का विशेष कर ध्यान, अगर आपकी
ईमेल आईडी कोई बनी हुई है और उसके आपको पासवर्ड वगैरह याद नहीं है तो अपडेट कर दीजिए उसको, नया रजिस्ट्रेशन करें तो नई ईमेल आईडी बना लीजिए और उसके पासवर्ड याद रखिए, इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और मोबाइल नंबर, खुद के मोबाइल नंबर से आपको आधार कार्ड कनेक्टेड करना है और खुद का मोबाइल होना चाहिए खुद के पास और उस वो नंबर आपके उससे कनेक्टेड होने चाहिए आधार कार्ड से, ठीक है। अब बात करते हैं आगे फोटो आपकी आपके पास भर्ती में जा रही है या कुछ भी कर रहे हो, 3 महीने से पहले की फोटो नहीं होनी चाहिए, 3 महीने से पहले की फोटो नहीं हो चाहिए। आप फॉर्म भरा रहे हो तो भी आप वो फोटो लगवानी है, 3 महीने के अंदर अंदर आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, 3 महीने से पहले की फोटो नहीं होनी चाहिए। जिस फोटो का क्या रूल होता है, आंख नाक कान गला सर पूरा एकदम सही और साफ दिखाई देना चाहिए और पीछे का बैकग्राउंड रेड कलर का, ब्लू कलर का और व्हाइट कलर का, तीनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, इसमें कोई इतना इश्यू नहीं होता। तो मैंने ये जो बताया ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपने पूरा ध्यान रखना है किस प्रकार से कैसा, जो आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा ऐसा, ये मैंने सोच विचार करके पूरी लिस्ट बनाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है इनको आप तैयार करके रखिए। जो आपकी मिस प्रिंट है वो आप मुझे कमेंट कर सकते, पूछ सकते हो कैसे किस प्रकार से कराना है, जो चीजें मैंने बताई और सही और सटीक है इन्हीं में आप इंडियन आर्मी भर्ती में रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर भर्ती पूरी प्रक्रिया देखने तक आपके कंप्लीट काम आएगी। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।